महादेव, आप देख रहे हैं कुंटेश्वर महादेव मंदिर का सीधा नज़ारा देख रहे हैं, जहां पर ध्वजा पूजन कार्यक्रम आज क्षत्रिय संपूर्ण मेवाड़ क्षत्रिय पीपा समाज द्वारा ये ध्वजा पूजन एवं रात्रि जागरण और प्रातः ध्वजा चढ़ाई जाएगी, इसको लेकर पूजन का कार्यक्रम आयोजित। जय हो पीपा जी की। आप देख सकते हैं कि आज एक शाम पीपा जी के नाम रात्रि जागरण का आयोजन हो रहा है, और आप देखें कि किस प्रकार का आयोजन आज हम करने जा रहे हैं। 12 महीने का दिन है, पीपा क्षेत्र समाज पूरा चौकला बलाराम महादेव हर साल की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से कुंटेश्वर महादेव को ध्वजा चढ़ाई जाएगी। रात्रि प्रोग्राम जागरण में सामाजिक प्रोग्राम होंगे, उसके बाद में कल प्रातः 14 तारीख को सवेरे कुंटेश्वर महादेव ध्वजा चढ़ाई जाएगी। पीपा जी महाराज से होके बाहर दरवाजे तक ध्वजा चढ़ाई जाएगी। सभी पंच पूरे 144 भागल के पंच एकत्रित होते हैं, भोजन प्रसादी मनोरथी होता है, उस मनोरथी के हिसाब से ये प्रसादी दोनों टाइम की रखी जाती है। सवेरे भोजन होता है, सवेरे नाश्ता होता है, सामाजिक प्रोग्राम होता है, इस तरह से 7 पट्टी है पूरी पीपा क्षेत्र समाज की। इसमें एक बलारा महादेव जो मंदिर बना हुआ है उसके ऊपर वर्षों से ये ध्वजा चढ़ाई जाती है। ध्वजा का अभी सभी पंचों द्वारा पूजन होता है, पूजन होके फिर शाम को जो भी सामाजिक प्रोग्राम होगा, कल प्रातः नाश्ता होगा, नाश्ते के बाद फिर सम्मेलन होगा। सम्मेलन में जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं उनको सबको सम्मान किया जाएगा, उपरना सापा और पगड़ी इन सबको सम्मान किया जाएगा, जो अतिथि हैं उनको भी सम्मान किया जाएगा, जो भोजन समिति जो भोजन वाला है उनको भी सम्मानित किया जाएगा, जो पति जो विद्यार्थी बालक बालिका वगैरह होगा उनको भी पारिश्रमिक कल 14 तारीख को सवेरे प्रातः किया जाएगा। और इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा रहता है। क्या ये विश्व की सबसे लंबी ध्वजा है? हाँ, सबसे लंबी ध्वजा हमारे एकलिंगनाथ में 200 और ऊपर गज की जो ध्वजा चढ़ती है, सबसे बड़ी ध्वजा वो होती है। यहाँ छोटा मंदिर है, वहाँ बड़ा मंदिर है, तो ध्वजा वहाँ होती है, फिर कटार में होता है, फिर प्रोग्राम यहाँ होता है। इस तरह से कम 150-150 गज की ध्वजा यहाँ चढ़ेगी। ध्वजा के बीच में कुछ और भी जुड़े हुए तख्त हैं प्रकृति को लेकर, ध्वजा को लेकर, ध्वजा लंबी निकल गई छोटी निकल गई, तो ऐसा भी कुछ? ये प्रकृति की देन है। हाँ, प्रकृति की देन है। ध्वजा का कपड़ा उतना ही लाते हैं जितना हर साल लाते हैं, उतना ही लाते हैं, लेकिन ये प्रभु की कृपा है और प्रभु मतलब इसको मतलब प्रकट करता है, क्योंकि उसके स्वयं के ऊपर चढ़ती है। तो उसमें कैलाशपुरी में 3 ध्वजा चढ़ती है, छिपल चढ़ती, सारी चढ़ती और सुई चढ़ती। यहाँ पूरा मेवाड़ के ध्वजे इकट्ठे होते हैं, तो ध्वजा जो बढ़ती है तो वो तो प्रगति की देन जो प्रभु की कृपा होती है, तो वो ध्वजा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। कितना पुराना ये मंदिर है? करीब बहुत पुराना मंदिर है, कुंटेश्वर महादेव बहुत पुराना था। पहले गांव वाले इसमें सेवा करते थे, अब देवस्थान विभाग का हो गया। देवस्थान विभाग ने भी यहाँ पे बहुत कार्य करवाया, ऊपर के टीन लगवाए, पीछे के टीन लगवाए, ऐसे उन्होंने जैसे अभी कोरोना का समय था उसमें बहुत विकास किया, पहले ऐसा नहीं था। अब इसमें देवस्थान विभाग होने से अब इसकी प्रगति दिनों दिन बढ़ती जा रही है और समाज की प्रगति भी दिनों दिन बढ़ती जाती है। ये प्रभु की कृपा कुंटेश्वर महादेव की है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम घनश्याम पवार,
नागद्वारा और दागेश्वर महादेव कैलाशपुरी का सेवक, फराला महादेव कुंटेश्वर महादेव का सेवक और समाज का सेवक। क्या बात है, क्या बात, आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। और हर भक्त को, हर समाज प्रेमी को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो आपने बातें बताई है वो शायद समाज की धर्मशाला हमने चंदों से बनाई। क्या बात है, थोड़ा बहुत हमारे विधायकों ने दिया, थोड़ा समाज ने दिया और ये थोड़ा जमीन हमने खरीदा और उसके ऊपर कुछ किरण माई जी ने 10 लाख रुपया दिया, उसका हॉल बनाया, 2-4 बामा साहब थे उन्होंने पैसा दिया। इस तरह से मतलब नए नए कार्यकारिणी नहीं बनती है, उस समय वापस विकास का काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास। क्या बात है, धन्यवाद। जय हो, जय पिपाजी महाराज की। जय पिपाजी। आप देख सकते हैं कार्यक्रम आपके सामने है, धीरे धीरे पिपाजी मंदिर पर रौनक बढ़ती जा रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं पिपाजी का मंदिर, द्वारिकाधीश पिपा क्षत्रिय दर्जी समाज, अतिथि की मूर्ति भी द्वारिकाधीश जी की, पिपाजी की और अन्य दो मूर्ति और विराजी हुई है। और बहुत ही बड़ा परिसर है पूरा मंदिर का, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर।